नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 6 उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी के अभ्यास प्रश्न। सो बच्चों, इस पाठ को हम पिछली 4 वीडियोस में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, आज इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप साथ साथ में रिमाइंड भी करिएगा। तो बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में जो पहला प्रश्न इसमें है वो है, सही या गलत बताएं, पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहर औद्योगीकरण के साथ विकसित हुए, क्या ये सही है या गलत? जवाब दीजिए सही। औद्योगीकरण के साथ अनेक नए शहर विकसित हुए हैं। सूरत और मछलीपट्टनम का 19वीं शताब्दी में विकास हुआ, 19वीं शताब्दी में विकास हुआ था या विशहरीकरण हुआ था, आप बताएं 19वीं शताब्दी में, क्योंकि कुछ नए प्रेसिडेंसी शहर बसा दिए गए थे इसलिए इनका विशहरीकरण हुआ। तो ये कथन गलत है कि 19वीं शताब्दी में इनका विकास हुआ। 20वीं शताब्दी में भारत की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती थी, क्या ये सही है या गलत? अभी भी भारत की अधिकतर आबादी गांव में ही रहती है, इसलिए यह कथन भी गलत है। उसके बाद 1857 के बाद जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं हुई थी, यह आपकी पुस्तक में लिखा गया है और यह कथन सही है, क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह का बदला लेने के लिए अनेक पाबंदियां लगाई थी। नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया, क्या यह सही है गलत? हमने ये पढ़ा कि नई दिल्ली पर ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था और शाहजहानाबाद में कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा था, तो यह कथन गलत है। सो इसके बाद आपके आते हैं जी रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। सफलतापूर्वक गुंबद का इस्तेमाल करने वाली पहली इमारत थी, कौन सी थी? यस, जामा मस्जिद। इसका आंसर है जामा मस्जिद। नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तैयार करने वाले दो वास्तुकार जो यूरोपियंस थे वो कौन थे? जी हाँ, हमने ये पढ़ा था, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दो वास्तुकार थे। अंग्रेज भीड़ भरे स्थानों को क्या मानते थे, वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते थे और बीमारियों का स्रोत मानते थे। तो बीमारी का स्रोत लिखेंगे। और सन 1888 में दिल्ली के लिए एक विस्तार योजना तैयार की गई जिसका नाम क्या था, ये हमने अभी लास्ट वीडियो में ही बड़े विस्तार से पढ़ा है। इसका नाम था बेटा लाहौर गेट सुधार योजना 1888। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब हम प्रश्नों की तरफ आएंगे। नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में 3 फर्क ढूंढें, क्या अंतर थे, अपने दिमाग पे जोर डालें। जी हां, शाहजहानाबाद दीवारों से घिरा हुआ शहर था, मतलब उसमें दीवारें बड़ी थी, हर तरफ सुरक्षा के लिहाज से दीवारें लगाई गई थी, दीवारों से उसे घेरा गया था, परंतु नई दिल्ली में ऐसा नहीं था। शाहजहानाबाद में भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले संकरी गलियां थी, लेकिन नई दिल्ली में सीधी चौड़ी गलियां और उनके आसपास बंगले बने हुए थे। नई दिल्ली में जल आपूर्ति और गंदगी से निपटारे की अच्छी व्यवस्था थी, जबकि शाहजहानाबाद में इस तरह की कोई व्यवस्था अंग्रेजों ने नहीं की। हालांकि जो पुरानी व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों ने उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया और वो व्यवस्थाएं भी समय के साथ साथ खत्म हो गई। आपको याद होगा नई दिल्ली रायसीना की पहाड़ियों के आसपास बसाई गई थी। अगला प्रश्न है, मद्रास जैसे शहरों में गोरे इलाके कौन से थे? हमने कहा कि दिल्ली में इस तरह से अलग इलाके नहीं थे, क्योंकि दिल्ली में अंग्रेज भारतीयों के साथ ही रहते थे, उन्हीं के इलाकों में रहते थे, परंतु मद्रास जैसे इलाकों में गोरे इलाके अलग थे, मतलब गोरे मतलब अंग्रेजों के लिए अलग इलाके थे, तो उनमें अंग्रेज रहा करते थे। विशहरीकरण का क्या मतलब है, यह हमने पहले भी पढ़ा। विशहरीकरण होता है जब देश के कुछ शहरों के की तीव्र वृद्धि हो रही होती है, ठीक उसी समय पहले से विकसित कुछ शहर पिछड़ रहे होते हैं, और ये हमने उदाहरण भी पढ़ा, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, सूरत श्री
रंगपट्टम इस तरह के जो इलाके थे वो विशहरीकरण का शिकार हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, प्रेसिडेंसी शहर बसाए थे, मद्रास, बंबई और कलकत्ता, इनको जिसको हम बंगाल कह सकते हैं, बंगाल में है कलकत्ता, तो ये प्रेसिडेंसी शहर थे। तो इनका विकास ज्यों ज्यों हुआ उससे जो पुराने शहर थे उनका विशहरीकरण हो गया। अंग्रेजों ने दिल्ली में ही विशाल दरबार क्यों लगाया जबकि दिल्ली राजधानी नहीं थी, राजधानी कौन थी, कलकत्ता। तो हमने पढ़ा था कि 1911 में तो जॉर्ज पंचम के आने पर एक विशाल दरबार लगाया ही था, परंतु उससे पहले भी सन 1877 में रानी विक्टोरिया के लिए भी एक विशाल दरबार दिल्ली में लगाया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को दिल्ली का सांकेतिक महत्व अच्छी तरह से पता था, उन्हें पता था कि लोगों के मन में दिल्ली के लिए बड़ा सम्मान है और वो दिल्ली के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं। अंग्रेज़ मुगल बादशाह के महत्व को कम करना चाहते थे, अंग्रेज़ कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बताना चाहते थे। तो सन 1877 में ही उनके मन में ऐसा था कि कभी हम इसे राजधानी बनाएंगे, और 1911 में हुए आयोजन में उन्होंने ये घोषणा भी कर डाली। तो इसका मतलब कि वो उसी वक्त से तैयार थे कि हम कभी दिल्ली को ही राजधानी बनाएंगे। पुरानी दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहत किस तरह से बदला, और पुरानी दिल्ली में क्या बदलाव आए जिसे हम शाहजहानाबाद कहते थे। बच्चों, लाल किले के आसपास का सारा इलाका साफ कर दिया गया, बाग, मैदान और मस्जिदें खत्म कर दी गई, नष्ट कर दी गई, शहर का एक तिहाई हिस्सा ढा दिया गया। 1877 के दशक में रेलवे की स्थापना और शहर के विस्तार के लिए शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया, नहरों को पाटकर मतलब मिट्टी भरकर उन्हें समतल कर दिया गया। तो अमूलचूल परिवर्तन हुए, मतलब पूरा स्वरूप ही बदल डाला। और विभाजन के समय दिल्ली पर क्या असर पड़ा, यह प्रश्न भी आपकी पुस्तक में है। बच्चों, विभाजन 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा की वजह से पाकिस्तान जैसा एक नया देश भी अस्तित्व में आया। तो विभाजन हुआ, इससे क्या हुआ, दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गया। मतलब जो लोग यहां से पाकिस्तान जाना चाहते थे उनके लिए भी शरणार्थी गृहों का आयोजन किया गया, उनकी स्थापना की गई, और जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको एकदम से तो कहीं स्थापित नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए भी कुछ अलग टेंट्स लगाए गए, अलग जगह बसाई गई। तो इसी दौरान लाजपत नगर, तिलक नगर जैसी बस्तियां बसी, शरणार्थियों का शहर बन गया। दिल्ली की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, दिल्ली की जनसंख्या में 5 लाख की वृद्धि हो गई। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए जिससे 44,000 मकान खाली हो गए। पाकिस्तान जाने वाले ज्यादातर मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी जिंदगी और व्यवसाय बदल दिए। मतलब ये लोग जो वहां से आए, ये वहां पे शिक्षक थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे, वकील थे, भूस्वामी थे, परंतु जब यहाँ आए तो इनको वही व्यवसाय करने को नहीं मिले, इनको अपने व्यवसाय बदलने पड़े। तो काफ़ी परिवर्तन लोगों के जीवन में भी आया। तो इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी हमने दिल्ली की पूरी यात्रा को पढ़ा, और इससे पीछे की 4 वीडियोज़ में हमने इस पूरे पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। यदि किसी प्रश्न को लेकर आपको डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अपने पाठ्यपुस्तक में भी इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।